आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है, तब से देश के अलग अलग राज्य अपने अपने अनुसार इसी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब सरकारी नौकरियां नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने ये ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के NRA की स्थापना के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करने की मंजूरी के एक दिन बाद लिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि देश के युवा अब SSC, RRB और IBPS जैसी व्यक्तिगत परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक परीक्षा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही परीक्षा देंगे। इसमें ना केवल परीक्षार्थी का समय बचेगा बल्कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। ये सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य के संस्थानों को राज्य के बच्चों को दिया जाना पहली प्राथमिकता है। शिवराज ने ये भी कहा है कि NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरियां देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को राज्य में लागू करने का उल्लेखनीय निर्णय लिया गया है। हम पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से साकार रूप देंगे। हम भी बढ़ाए आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल भारत प्लस को। आज ही सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।